हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उनमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो ये जब भी आप देखेंगे उससे आगे के जो 3 मंथ्स होंगे ये रीडिंग उन पर अप्लाई होगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आप सभी को, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स मैं पिक नहीं करूँगी, ठीक है। और इन केस, क्योंकि कहीं कई बार ऐसे मुझे कंप्लेंट्स आई हैं कि व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नहीं मिल रहा होता है, तो आप मुझे नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। इन केस अगर मेरा नंबर आपको नहीं मिलता है व्हाट्सएप पे, तो ठीक है, क्योंकि कईयों की ऐसी कंप्लेंट्स भी थी, ठीक है। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं सबसे पहले तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। देन हम आपके ब्लॉकेजेस देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपकी ब्लेसिंग्स, और फिर यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, और तसल्ली से देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्यों, क्योंकि हम एक एक चीज़ को अच्छे से देख रहे होते हैं। अगर मैं और लोगों की तरह अगर जल्दी जल्दी बोलने लग गई तो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं या इंपॉर्टेंट गाइडेंस होती हैं जो हम जो है मिस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा तसल्ली से वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं आप लाइफ में, ठीक है। Queen of Wands, Queen of Wands, बहुत से आप वृश्चिक राशि इस समय अपने पे कुछ लोग जो हैं अपने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें कर रहे हैं, या मैं कहूँगी जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, खासकर जो आप चाहते हैं या जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो काम करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। और यहाँ देख करके बहुत इम्पोर्टेंट मुझे एक फीलिंग नज़र आ रही है कि कुछ लोग हो सकता है अपने पे इस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हों, और उनको यहाँ पे ज़रूरत है अपने पे ध्यान देने की, समझ रहे हैं आप, सेल्फ़ केयर की। यहाँ पे सेल्फ़ केयर की आपको बहुत ज़रूरत है, अपने डे टू डे रूटीन को अच्छे से अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन जो है मैं देख रही हूँ कि इस वक्त में बहुत हाई रह रही है आपकी, होगी इस समय, आप इंट्यूटिव हैं वो एक अलग बात है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन तो सबकी होती है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है कि कौन कितना ध्यान देता है अपनी इंट्यूशन की, कौन कितना सुनता है।
ठीक है, इंट्यूटिव तो आप बहुत हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पे मेन मैसेज जो मिल रहा है वो है आपको सेल्फ केयर, उसकी नीड है सेल्फ केयर, अपने पे ध्यान देना। कुछ लोग यहाँ पे अपने पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे जरूरत है ध्यान देने की, और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि वो अपने डे टू डे रूटीन से बहुत बोर हो चुके हैं, या मैं ये कहूँगी कि उनको बोझिल हो गया है उन चीज़ों को रिपीट रिपीट करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि पूरे दिन की दिनचर्या में कुछ खास नहीं है, अब वो बोर हो गए हैं, अभी वो कुछ नया चाहते हैं। शायद आप उन चीज़ों में अपने डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर रहे जो आपको चीज़ें पसंद हैं, तो आप वो करना चाहते हैं, बोर नहीं होना चाहते, अब अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, वैसे आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके पास। जस्टिस, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहना। 11, 1, 1, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये नंबर स्पेसिफिक हो सकता है। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस, ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी चल रही हैं जिसमें मैं ये कहूँगी कि आपको इनजस्टिस मिल रहा है अभी हाल फिलहाल, जो आपकी पोजीशन चल रही है, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। देखिए जस्टिस, जस्टिस कार्ड बहुत चीज़ों पे अप्लाई होता है, समझ रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका डे टू डे रूटीन हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ पे अप्लाई होता है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस में नहीं आ रही हैं अभी, आप बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, और ख़ासकर मैं ये देख रही हूँ कि जितना आप एफर्ट किसी काम में डाल रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है या आपका वो करियर है या फिर आपका कोई भी एरिया है लाइफ का, उसमें आपको उसका आउटकम उस हिसाब से नहीं मिल रहा है या आपको एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है इस तरीके का इम्बैलेंस। समझ रहे हैं आप, इम्बैलेंस होना, एफर्ट्स अपनी तरफ से डाले, अपनी तरफ से बहुत काम करा, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, लेकिन जो आगे से आपको उसके फ्रूट्स हैं वो नहीं मिले। और कुछ लोग लिटरली यहां पे क्या एक्शन चाहते हैं इन चीजों में, वर्क चाहते हैं, हम अब चाहते हैं कि ये चीजें इस तरीके से वर्क करें, लाइफ बैलेंस में आए, और जो काम आप कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें आपको एप्रिसिएशन तो मिले, आपका नाम तो आए एटलीस्ट, क्योंकि मैं देख रही हूँ चाहे आपका करियर है, कुछ लोग यहाँ पे जो लोग करियर के लिहाज से देख रहे हैं कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ही देना चाहूँगी, बाकी हर किसी की अलग परिस्थिति होती है, हर किसी की अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आपने जैसे कोई डील हुई आपके ऑफिस में, ठीक है, उसमें आपने तो अपना बेस्ट दिया, आपकी वजह से ही वो डील फाइनल हुई, लेकिन उसका जो एप्रिसिएशन है या मैं कहूँ कि उसका फ्रूट किसी और को मिल गया, समझ रहे हैं आप, उसका श्रेय किसी और को मिल गया, तो वो जस्टिस नहीं हो पाना आपकी लाइफ में अभी जो स्थिति चल रही है वो बैलेंस्ड नहीं है, और आप चाहते हैं कि अब वो चीजें जो है बैलेंस हो जाए, और लिटरली यहां पे हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है, जो इस तरह का मैंने एग्जांपल दिया है, आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं,
वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके सी, देखा चैरियट, सक्सेस, एक्शन, ये गिरना यहाँ पे रिवर्स में गिरना इस कार्ड का, समझ रहे हैं? वो सक्सेस नहीं मिलनी और वो एक्शन नहीं होना, वो मूवमेंट नहीं होनी जो आप चाहते हैं। आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपकी, मैं कहूँगी आपकी लाइफ के जो भी एरिया है, जिस एरिया से रिलेटेड भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस समय मैं ये कहूँगी कि वो एक स्टक सिचुएशन में है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है उसमें, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, खासकर जो लोग यहाँ पे करियर के लिहाज से देख रहे हैं ये रीडिंग, आपका जो गोल है ना, आप अपने गोल पे फोकस्ड नहीं है, यहाँ पे आपके फोकस की कमी नज़र आ रही है मुझे। स्कॉर्पियो, जो भी लोग यहाँ पे करियर के लिहाज से देख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो करियर के लिहाज से देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो हैं अपने गोल पे फोकस्ड नहीं है, आप में फोकस की कमी है। हो सकता है आपका देखिए आपका ध्यान भटक जाता है, या आप बोर जल्दी हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या मेरे एफर्ट्स उतने काफ़ी नहीं हैं, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। मतलब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कमी पड़ रही है आपके फोकस होने की। तो यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ बताई जा रही है कि जो गोल है, पहली बात तो अगर गोल नहीं बनाया है तो अपना गोल बनाइए, ठीक है? आपको करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है, फोकस किस पे, अपने आप को लगाना किस पे है, समझ रहे? टारगेट क्या है आपका और उस पर फोकस और उस पर फोकस रहिए, समझ रहे हैं आप? और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे एक्शन है ही नहीं, हो ही नहीं रहा इस जस्टिस कार्ड की वजह से भी, जो मैं रीज़न आपको बता रही हूँ। ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं, आप अपना 110% दे रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं कर हो पा रही आगे। और कुछ लोग यहाँ पे जो हैं, यहाँ पे दो तरह के भी लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बैठे बिठाए चीज़ नहीं मिलती है, मूवमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जी मन लगा करके पढ़ेंगे तभी आप अपनी चीज़ों को, अपने जो भी आप करना चाहते हैं आगे लाइफ में, जो भी गोल्स हैं आपके, उन्हें अचीव कर सकते हैं, समझो, उनमें सफलता हासिल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बैठे बिठाए अगर आलस करेंगे तो नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और खासकर अपने रूटीन को, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मैं उन्हें भी ये बात बोलूँगी, और बाकी सब जो देख रहे हैं स्कॉर्पियोज, अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कीजिए। आपको अपने रूटीन को यहाँ पे चेंज करने की थोड़ा ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मॉर्निंग रूटीन और आपका नाइट रूटीन जो है यहाँ पे बैलेंस में नहीं है। आपके सुबह के रूटीन में और रात के रूटीन में बहुत इनबैलेंस है, समझ रहे हैं? सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, ठीक है, और बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, समझ रहे हैं? तो जिस चीज़ में आपका इस समय जो फोकस है या गोल है जो आपका, उसकी तरफ एक्शन लीजिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सफलता तभी मिलेगी, फोकस रहने की जरूरत है। ग्रेट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। आपका दिमाग, मैं जैसे ये मैसेज मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ स्कॉर्पियो, आपका माइंड जो है ना बहुत डाइवर्ट हो रहा है, मैं ये कहूँगी भटक रहा है, समझ रहे हैं आप? जैसे कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, पेजेस जो होते हैं वो एयर, सॉरी पेजेस कह रही हूँ, ये स्वॉर्ड्स जो होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी हमारे पास स्वॉर्ड है, तो ये एयर साइन होता है और दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं,
आप लोग कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग डे ड्रीमिंग भी बहुत करते होंगे, जबकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी फिर भी मुझे आ रही है नहीं है कार्ड, लेकिन फिर भी मुझे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। आप लोग डे ड्रीमिंग भी बहुत करते होंगे, ख्वाब आपकी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन पे एक्शन लेना और खुद पे डाउट करना ये भी हो सकता है। आप लोग खुद पे भी डाउट करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ पे सेल्फ डाउट जो है वो फोकस में आ रहा है, सेल्फ डाउट। अपने पे विश्वास कीजिए तभी आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप स्कॉर्पियो? अपने पे विश्वास रखिए, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, बस हम अपनी सोच से ही ना ऊपर नीचे बन जाते हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं ऑलवेज कहती हूँ, अपने सोच को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अपने पे ही डाउट करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यहाँ तो हमें आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं, ब्लॉकेजेस भी पता चल ही रहे हैं। ओके सी, ये निकला आपके लिए फोर ऑफ कप्स, देख रहे हैं आप? ये एक मैं बोलूंगी एक आलसी एनर्जी और फोकस्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये मैं ऑलरेडी मैसेज दे चुकी हूँ, जबकि ये मैंने जो कार्ड एक निकाला है ये ब्लॉकेजेस का ही निकाला था, लेकिन इसमें हमें आपके ब्लॉकेजेस पता चल गए हैं। एक्शन नहीं लेना, फोकस्ड नहीं रहना, ठीक है, फोकस नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप देख ही नहीं रहे, आप लेने ही नहीं चाहते, आप हाथ ही नहीं आगे कर रहे हैं, आपको अपने पे विश्वास ही नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आप अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं। ये लोग जो करियर में हैं, जो करियर के लिहाज से देख रहे हैं, उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, इवन जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या मैं सिंगल्स हैं, मैं उनके लिए भी यही बात बोलना चाहूँगी। अपने तरीके से इन मैसेजेस को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को अगर डिटेल में बोलूँगी तो फिर तो ये 2 आवर्स की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है? तो अपने तरीके से अपने मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिए, ओके? तो आप इस समय बोर्डम की स्थिति में हैं, आलसी लेजी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है? एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं आप। ये ब्लॉकेजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इन पर आपको वर्क करना है। अपने गोल्स को सेट कीजिए और अपने आँखों को और कानों को खुला रखिए, देखिए आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उन्हें ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, समझ रहे हैं आप? स्कॉर्पियो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इन चीज़ों के लिए भी मैं, जैसे कॉन्फिडेंस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, मैंने एक अपनी वीडियो में मैंने एक नंबर दिया था, हीलिंग नंबर, ठीक है, एक स्टोन के लिए। इसी तरीके से इन चीज़ों के भी हीलिंग नंबर्स होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग नंबर्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए मैं अलग चैनल बनाऊंगी और मैं फिर तब अपने इसी चैनल पे मैं बताऊंगी कि मैंने वो चैनल का ओपन कर लिया है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत मैं ये कहूँगी कि मोटिवेशन भी मिलेगी और सफलता, अगर आप पॉजिटिव रह करके उन चीज़ों को, उन हीलिंग नंबर्स को और स्विच वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है? तो ये जो कॉन्फिडेंस, आपको अपने में कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने गोल्स को सेट करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? और एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने आँखों और कानों को खुला रखिए, यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ ना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या आपको मैं कहूँगी आपके द्वार खुले जाते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं, आप देखते ही नहीं, आपके हाथ से वो निकल जाता है, और वो आपको बाद में ही पता चलता होगा जब वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई कि हाँ ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी या मिल रही थी और मैं नहीं ग्रैब कर पाया या मैं नहीं ग्रैब कर पाई, समझ रहे हैं आप? अपनी ही उन्हीं, मैं ये बोलूँगी, पास्ट की चीज़ों में या जो चीज़ें नहीं है ना आपके पास, आप उन्हीं चीज़ों में खोए हुए हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये क्यों नहीं है, ओहो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, प्लीज़ उन चीज़ों से निकलिए बाहर। ऐसा सोचने से वो चीज़ें हो नहीं जाएंगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो होंगी, नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा, वो कप्स तो खाली ही रहेंगे जिन्हें आप देख रहे हैं, वो अपने आप भर नहीं जाएंगे, आपके एक्शन से भरेंगे,
समझ रहे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, कई बारी मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या है आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है, आने वाले 3 मंथ्स में, ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियो, जब हम ये 3 मंथ्स की रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये जो इस रीडिंग का इन्फ्लुएंस होता है 3 मंथ्स के ऊपर तक भी जाता है, 3.5 और 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके इन्फ्लुएंस मतलब इनके असर जो है सफलता आने के या इन चीज़ों के होने के वहाँ तक रहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय सिस्टर्स, ओके थैंक यू सो मच प्लीज गाइडर्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइडर्स। क्या द मून, ओके ओके। पहली बात तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी इंट्यूशन आने वाले 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाली है, बहुत 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 ज़्यादा। और मैं ये कहूँगी कि आपको आने वाले 3 मंथ्स में बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कुछ मैं ये बोलूँ कुछ चीज़ों के या कुछ सिचुएशन के या कुछ लोगों के सच के बारे में पता चलेगा, आपके सामने चीज़ें खुलेंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा था, आपके पीछे कुछ बुरा बोल रहा था या आपके सामने सही था, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, यहाँ बड़े बड़े जैसे किसी के राज खुलने, समझ रहे हैं आप, कुछ राज की चीज़ें आपके सामने 3 मंथ्स में ओपन होने वाली हैं, कुछ यहाँ मैं जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जो चीज़ें आपको नहीं पता थी, जिनसे कि आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि देखिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव मैं ये बोलूँगी, क्योंकि नेगेटिव तो खैर ये हो ही नहीं सकता, पूछिए क्यों, किसी की सच्चाई के बारे में पता चलना तो वो नेगेटिव नहीं हुआ ना, वो तो पॉजिटिव हुआ। अगर आपको किसी की सच्चाई के बारे में नहीं पता है तो वो नेगेटिव हुआ, समझ रहे हैं। तो ये किसी की सच्चाई के बारे में है, किसी के बारे में या कोई ऐसी बात पता चलनी जिसमें अभी तक आप इल्यूजन्स में थे, समझ रहे हैं आप, अभी तक आप धोखे में थे, अभी आप कुछ और ही समझ रहे थे उस चीज़ को, और वो थी कुछ और, या वो कुछ और ही मैटर था, या वो पर्सन ही कुछ और था, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो चीज़ें आपके सामने ओपन अप होने वाली हैं, क्योंकि द मून की एनर्जी भी जो होती है वो एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है, कुछ चीज़ें खुलना आपके सामने, कुछ राज खुलना आने वाले 3 मंथ्स में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। अब ये सबकी अलग अलग मैटर्स हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। क्या है क्या है, दो निकले नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू प्लीज गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, बार बार दो दो कार्ड्स क्यों निकल रहे हैं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, आप बहुत पेश, यस यस यस, देखिए वृश्चिक राशि, मैं आपको सीरियसली बोलूं, अगर आप अपने इन ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं आगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बहुत कमी नज़र आ रही है, आप अपने पे सेल्फ डाउट बहुत कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर लेते हैं तो आने वाले समय में ना आप ऐसे काम करने वाले हैं जिनके बारे में ना आपने कभी सपने में सोचा नहीं था, जो काम आपके लिए अभी इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल, वो काम आप कर देंगे। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत से लोगों को या अपने ही घर वालों को या अपने फ्रेंड सर्कल में या जो लोग भी आपको जानते हैं, ऑब्वियस है जो लोग आपको सिर्फ जानते हैं, ठीक है ना,
उनको आप हैरान करने वाले हैं, यहाँ पे आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। आप में बहुत चीजें अंदर से आने वाली है, अपने पे कंट्रोल होना, और यहाँ जिस तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी है ना, आने वाले 3 मंथ्स में अगर आप इस पे थोड़ा सा भी वर्क करते हैं, आप में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना हाई लेवल पे होगा। आप इतनी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी ना, जो दुनिया सोचती होगी कि अरे ये कैसे कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकती, उन्हें आप चुटकियों में कर देंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने ये बात बोली मुझे एकदम से क्लिक हुई ये बात। मुझे किसी ने आई डोंट नो कौन सी रीडिंग थी मेरी, उसमें मुझे किसी ने मैसेज करके कमेंट किया था कि अगर आई थिंक सो लिब्रा की रीडिंग थी, कि अगर ये मोटिवेशन के लिए है तो एवरेज रीडिंग, और अगर वाकई में ऐसा होना है तो ये बेस्ट रीडिंग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बोल दूँ, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप पे डिपेंड करती है। आप ये देख रहे हैं, आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं कि पता चल जाएगा आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये गाइडेंस के लिए है ना, ये गाइडेंस के लिए है कि आने वाले अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाली लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, उन पे आप वर्क करेंगे तो क्या चीज़ें आएंगी आपके लिए। अगर आप उन पे वर्क कर लेंगे, देखिए अपनी लाइफ को चेंज करना अपने हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं तो नहीं मानती, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। अभी इस बारे में मैं बहस भी नहीं करना चाहूँगी, और मुझे प्लीज़ कमेंट भी मत करके बोलिएगा। मेरा ये मानना है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएंगी। अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्या चीज़ें चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं बड़े से बड़ी चीज़ को हासिल करना, पहले अपने आप को सबसे पहले तो पॉजिटिव कीजिए, और अपने में वो हिम्मत रखिए, और ऐसा समझिए कि हाँ आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप अपने पे ही डाउट करेंगे तो फिर ख्वाब लेना तो ख्वाब ही है फिर, ठीक है ना, फिर तो वो ख्वाब ही है, फिर तो वो ड्रीम्स ही हैं सिर्फ आपके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर कोई सपना देखते हैं, उसको हकीकत में 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा। जब आपने सोच भी अपनी नेगेटिव बना ली, या आपने सोचा अरे ये तो ड्रीम्स में ही होता है, ये तो सपना है, ये हमारी हकीकत में नहीं होने वाला, और कुछ करोगे भी नहीं, तो यहाँ पे पड़े पड़े कार्ड्स तो अपने आप कुछ नहीं कर देंगे ना, है ना। इसके लिए एक्शन तो आपको लेना है। आपको ये बताया जा रहा है आप में ये एबिलिटी है, ये मैं नहीं बता रही, ये एंजल्स बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं, आपके प्रभु बता रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं आप में ये एबिलिटी है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीज़ें अचीव कर सकते हो, आप में वो मादा है, आप में वो एबिलिटी है, तो कीजिए अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क, क्यों नहीं करते, अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क कीजिए ना। एक्चुअली क्या है कि सबको क्या है, बैठे बैठे चीज़ें चाहिए, वो नहीं होता जब तक आप क्या बोलते हैं उससे एक्शन नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं, कर्म नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, बैठी बैठाई यहाँ पे तो मेन कार्ड ही आपका एक्शन का है, द चैरियट, स्टक है आप, स्टक एनर्जी में। 6 of Swords कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेवल है, 6 आने वाले 6 मंथ्स कह रही हूँ, आने वाले 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, येस। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो ट्रेवल दिख रहा है वो पूरी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर के लिहाज से भी मूव करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप क्या ट्रांसफ़र हो जाए, समझ रहे हैं आप, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोग यहाँ पे ऑल इन ऑल अपने पास्ट को ना छोड़ करके, लेट गो करके, अच्छे समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अच्छे समय की, एक बैलेंस्ड समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप पुरानी चीज़ों को मुड़ करके नहीं देखेंगे, जो चीज़ें हो गई वो चीज़ें हो गई, जो पर्संस आपको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, आपके अच्छे में नहीं थे, जो सिचुएशंस अच्छे में नहीं थी, जो आपकी आदतें भी यहाँ पे मुझे कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप वर्क करेंगे तो बिल्कुल, ये है एक उथल पुथल वाला पानी, समझ रहे हैं, ये डिफ़िकल्ट टाइम, उससे एक स्थिर, जहाँ पे पानी ज़्यादा चल नहीं रहा है, स्थिर है, इतनी उथल पुथल नहीं है,
उस जगह पे जाना, समझ रहे हैं आप? अभी तो बहुत लाइफ में हलचल चल रही है ना आपके, उससे एक स्टेबल जगह पे जाना, अभी तो लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं है, है ना? तो इससे जो है दूर जाना, इस लाइफ से। तो यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी भी नजर आ रही है आने वाले 3 मंथ्स में। आप जो भी करेंगे वो आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा, आपको स्टेबल लाइफ मिलेगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इससे बड़ा मैसेज मैं आपको क्या बोलूँ, स्ट्रेंथ, इतना बड़ा कुछ करना। मैं कह रही हूँ ना, हर किसी में वो एबिलिटी होती है, आप अपने पे ही सेल्फ डाउट करेंगे तो कैसे चलेगा? वर्क कीजिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। और इवन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, आपका कम्युनिकेशन, कुछ लोगों का काम भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, ठीक है? और क्या लास्ट देखते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स है, द एम्प्रेस, वेरी नाइस। देखिए कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है और प्रमोशन है, ठीक है? और आप एक ऐसी, देखिए कौन है आप, सेल्फ डाउट कर रहे हैं ना, सेल्फ डाउट देखिए कैसी एनर्जी में है आप, देख रहे हैं, आलसी। और अगर आप इन पे वर्क करते हैं तो आप ये हैं, अपने आप को पहचानिए अपने आप को, ये हैं आप, द एम्परर। मैं कोई मजाक थोड़ी कर रही हूँ यहाँ पे आपके साथ, मैं ये मजाक में कार्ड्स नहीं निकालती, मैं अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करके निकालती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं ना, उनको मैं सही से गाइडेंस, बिल्कुल सही गाइडेंस दे पाऊँ, वाकई में जिसके वो हकदार हैं, जो उनमें एबिलिटी है। इसी के लिए तो ना आप में से कुछ लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो पैसे खर्च करने से तो अच्छा है ना कि आप इन पे वर्क कीजिए। देखिए आप में कैपेबिलिटी, देखिए अपनी एबिलिटी को कि आप क्या कर सकते हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होंगी आपकी लाइफ में, आप ये सब अचीव कर सकते हैं। देखिए चलिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। वृश्चिक राशि आने वाले 3 मंथ्स क्या बताना चाहते हैं आप उन्हें, थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके, 10 10 10 10 10 10, ओके स्ट्रॉन्ग, यस। देखिए इससे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, सीरियसली बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? इससे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, ये मुझे एनर्जी दे रहा है टावर की, ये टावर की एनर्जी है। मैं आपको ये बोलूँगी, ये जो एनर्जी आई है ना 10 की, ये टावर की एनर्जी, स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग, ये आपको वार्निंग दी जा रही है, ये वेकअप कॉल है, आपको जगाया जा रहा है कि भाई अभी भी ये रीडिंग देख करके जग जाओ, अभी भी अपने पे वर्क कर लो, नहीं तो पूरा सिस्टम जो है हिलाया जाएगा, आपको शेक किया जाएगा, आपको जगाया जाएगा, समझ रहे हैं? और जगाना तो समझते हैं ना कैसे होता है, कैसे जगाते हैं, कुछ उस समय अच्छा जो चीज़ होती है ना उस समय लाइफ में जब टावा मोमेंट आता है वो अच्छा नहीं होता है, बस वो जगाने के लिए होता है एक्चुअली में, इसलिए अच्छा होता है, अदरवाइज़ वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं, जिससे कि आप पूरे अंदर तक हिल जाएं, समझ रहे हैं आप? ताकि आपकी आत्मा अच्छे से जाग जाए कि भैया क्या करने आए थे, कर क्या रहे हो, कितनी एबिलिटी है आप में और कहाँ फंसे हुए हो, क्या क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ कितनी है आप में, आप इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हो, आप एक एम्परर हो और फंसे हुए हो 4 of Cups की और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या नाम है, लूज एनर्जी में, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिल्डअप भी नहीं कर रहे हो, बस बैठे हुए हो ऐसे ही आलसी मूड में, ये काम नहीं करना ना, और बैठे बैठे सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, ये वार्निंग है आपको, ये वार्निंग है, ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये मज़े मज़े में नहीं निकले हैं, सीरियस हैं ये, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ठीक है?
ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग को मैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग बोलूंगी, ठीक है। अभी भी जाग चाहिए, ये रीडिंग देख करके ही जाग चाहिए। और आपको अजीब लग रहा होगा मुझे देख ये बात सुन करके कि आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे मेरा मोटिव पता है क्या, मेरा मोटिव ये नहीं है यहाँ पे बैठ करके आपको रीडिंग देने का कि आप मुझसे आकर के पर्सनल रीडिंग कराएं, पैसे खर्चे और मैं आपकी रीडिंग करूँ। नो, मुझे ये है कि मैं आपको इतनी अच्छी से अच्छी यहाँ पे गाइडेंस दे पाऊँ कि आपको ये देख करके ही ना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लें, आप अपनी ग्रोथ करें। और जिस काम के लिए आप इस धरती पे आए हैं, खास करके जो आपका अर्थ मिशन है, उसे आप कंप्लीट करें। अपनी एबिलिटी को तो देखिए, आप कितने कैपेबल हैं। और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। विमेन होल्डिंग, यस, ये तो है, मैं कह रही हूँ ना आपको। एक्चुअली कुछ लोग यहाँ पे, अगर मैं इसका सिर्फ इमेज देख करके या ये मैसेज पढ़ करके अगर मैं बोलूँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ऑफर है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड जब भी मेरे सामने निकलता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, क्योंकि मेरा हमेशा ध्यान ऑलवेज रेयरली ही होगा, कभी नहीं गया होगा, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। देखिए, वर्क कर लीजिए, वरना आपको तो ट्रांसफॉर्म करना ही है यूनिवर्स में, ठीक है। आप मेल एंड यहाँ पे एनर्जी मैं बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। ये वुमेन है तो ये नहीं, लेकिन मैं जो आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी लाइफ तो हो रही है, आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं। आप पूरे चेंज हो रहे हैं। कुछ लोगों में यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस आप ऊपर का, समझ रहे हैं, वो भी चेंज हो रहा है। और कुछ लोग पूरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, होंगे ही अगर अपने पे वर्क करेंगे तो। कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्डअप कीजिए, क्या कर सकते हैं आप। ये कोई हैरानी वाला मैसेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कुछ सिंगल्स भी यहाँ पे हैं जो कि हैं, ऐसे मेल हो या फीमेल हो, आप में ना अपने में ही कॉन्फिडेंस खोकर बैठे हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा, या कोई मुझे पसंद नहीं करेगी, या कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, आपकी फिजिकल बॉडी जो है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। कुछ लोग अपने मैं ये बोलूँ वेट लूज कर सकते हैं, कुछ लोग अपने हेयर कलर करा सकते हैं, और मतलब फिजिकली भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और मेंटली भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए एक न्यू ऑफर, जो इस कार्ड का एक बेसिक मैसेज भी है, ठीक है ना। मैं इंट्यूटिव मैसेज तो आपको दे रही हूँ, बेसिक मैसेज भी दे रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं और क्या है। अरे ये तो वही निकला, मैंने अभी जस्ट देखा है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए पूरी लाइफ ना आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। पूरी लाइफ आपकी चेंज हो रही है। आप क्या थे, सी आपकी लाइफ की ना आने वाले 3 मंथ्स में स्कॉर्पियो एक नई शुरुआत है। आप क्या थे, किस एनर्जी में थे और किस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप अपने अंदर, अपने आप को जान रहे हैं, अपनी एबिलिटीज को जान रहे हैं। 1+9=10, ठीक है। 1+0=1, नई शुरुआत। ये मुझे, जबकि इसमें वो कार्ड नहीं है ऐसा कोई आया, लेकिन ये मुझे वर्ड की एनर्जी दे रहा है कि एक चैप्टर ख़त्म करके आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का। सीरियसली, अपने आप को जान रहे हैं, अपनी ताकत को जान रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मैच करता है ये। अपन आप हैं कौन असल में, वो पहचानना, ठीक है। तो गौर कीजिए और अपनी कमियों पे, अपने ब्लॉकेजेस पे यहाँ पे वर्क कीजिए। अदरवाइज आपका ये वीडियो देखना यूजलेस होगा, मैं ये बोलूँगी। चलिए लास्ट के आपके देखते हैं कार्ड्स, ठीक है। आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी तक तो हमें बहुत सारी गाइडेंस मिल चुकी है, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या और क्या चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ वृश्चिक राशि वालों के लिए बताइए आने वाले 3 मंथ्स में और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू थैंक यू। इंटेंसिटी, यस, एक्शन एक्शन लीजिए। आप में वो पावर है, आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। मैंने ये फर्स्ट मैसेज आपको दिया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मैंने आपको ये फर्स्ट मैसेज दिया था, है ना, कि आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं। लेकिन ना आप अपनी पावर को नहीं, आप बहुत, देखिए क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी कैसे जागती है अंदर से। अगर आप आलस के मोड में है ना तो नहीं जगेगी। अपने आप को थोड़ा एक्टिव कीजिए, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, आप में कोई भी टैलेंट हो सकता है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। लेकिन लोग ना जब एक आलस की सिचुएशन में, बार बार यही वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यही वर्ड मेन फोकस में आ रहा है, अपने आप को सेल्फ डाउट करना पहली बात तो ठीक है, और फिर कुछ नहीं भी करना, ठीक है, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये एनर्जी होना। यहाँ पे आपको एक्शन बोला जा रहा है, क्रिएटिविटी आप में बहुत है, मूवमेंट होगी आपकी लाइफ में, आपको मूवमेंट लानी है, अपने पे वर्क कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बता दूं, अगर आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे तो आपको बहुत अपनी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे और सफलता तो आप पूछे ही मत। जुड़ने की कोशिश तो कीजिए, कोई भी टैलेंट हो सकता है, आप पेंटर अच्छे हो सकते हैं, आप सिंगर अच्छे हो सकते हैं, या बहुत सारे होते हैं जो क्या कहते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनमें भी कोई भी टैलेंट, हाउसवाइफ है इसका मतलब ये नहीं, उनमें भी बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, कुकिंग भी हो सकती है या निटिंग हो सकती है, कुछ भी, आप जर्नलिंग अच्छी कर सकते हैं, आप कोई बुक लिख सकते हैं, कुछ करने की सोचिए, दिमाग में कुछ लाइए, क्या कर सकते हैं आप। अगर आप बातचीत अच्छी कर लेते हैं, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपके वर्ड्स बहुत प्रीशियस हैं, वैल्यूएबल हैं, बुक लिखिए, लिखने की कोशिश तो कीजिए, गूगल पे सर्च मारिए कि कैसे बुक को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्रिएटिविटी आप में किसी भी तरीके की कुछ भी हो सकती है। तो मैंने छोटे से माइनर छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है। क्रिएटिविटी से जुड़िए, आपकी लाइफ में एक्शन बहुत जरूरी है। प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, मैंने आपको क्या बोला, आप अपनी क्रिएटिविटी से ना मैजिक कर सकते हैं। किसी को यहाँ पे हंसाना, मतलब हंसाना भी एक, पता है, बहुत अच्छी चीज़ है। कहने को अरे मजाक हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई किसी को नहीं हंसा सकता। आप एक, मैं एक बार बताइए, किसी रोते हुए को या किसी दुखी पर्सन को हंसा देना कुछ पल के लिए, कितना अच्छा और एक मैं बोलूँगी पुण्य का काम होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे जो है आप में वो क्रिएटिविटी है, आप उसे मैजिक कर सकते हैं। अभी क्रिएटिविटी आप में क्या है ये मैं नहीं बता सकती, ये आपको खुद को पता है। हर इंसान को अपनी क्रिएटिविटी का पता होता है। आपको क्या करना सबसे अच्छी बात है, आपको क्या क्या करने से आपको खुशी मिलती है, आपको क्या करने से बहुत सुकून मिलता है, जिससे आप बोर नहीं होते, इस एनर्जी में नहीं आते हैं, सिवाय बैठे बैठे फ़ोन देखने के, ये सब नहीं, क्रिएटिव, ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं है इस तरह का काम, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, कुछ भी होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। स्लोइंग डाउन, ये है हमारी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। देखिए चीज़ें, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये मैसेज दे दूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ये, कि आप लोग ना इस एनर्जी में भी पता है कब चले जाते हैं ज़्यादातर, कि आपने किसी चीज़ पे वर्क करा लेकिन आपको उसका रिजल्ट जो है तुरंत नहीं मिला, फ्रूट्स तुरंत नहीं मिले, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, तो आप बड़ी जल्दी इस एनर्जी में चले जाते हैं कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे से हो नहीं सकता, या मैं, मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अब तो, या मैं ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपके लिए स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। स्लो एंड स्टडी विन द रो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सुना है ना ये वाली कहानी, स्टोरी,
खरगोश की और कछुए की, टॉर्टोइस की और रैबिट की, है ना। तो ये वही है, धीरे धीरे, ये एक स्टेबल एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी पे विश्वास रखेंगे ना, धीरे धीरे, जल्दी मत कीजिए, अपने अपना वर्क कीजिए, अपना कर्मा कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने एक्शन लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए, लेकिन उसके फ्रूट्स पे आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फ्रूट्स देने वाले भगवान हैं, हमारे यूनिवर्स हैं, ठीक है, वो आपको देंगे। ये एक स्टेबल एनर्जी है। धीरे धीरे जब चीज़ें होती हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी के लिए होती हैं। ये बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। स्टेबल मतलब एक लाइफ में स्टेबिलिटी लाना, ये नहीं कि हरफन मोला की तरह अभी आए और अभी गए, ये वो एनर्जी नहीं है। समझ रहे हैं कि थोड़ा सा काम करा, फटाफट करा और वो ख़त्म भी हो गया और उससे कुछ मिला भी नहीं, थोड़ा सा मिला बस अभी के लिए। मैं ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये है दूर की एनर्जी और स्टेबल एनर्जी। इसे हम बोलते हैं, अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भी पर्सन आपको ये थोड़ी देर भले ही सही, लेकिन जो भी पर्सन आपको ये ऑफर देगा वो बहुत स्टेबल होगा। वो ये नहीं कि आपको दे करके उसके बाद ब्रेकअप कर लेगा, ना ना ना, ये ऐसी एनर्जी नहीं है। और अगर ये ऑफर अगर आपको करियर में मिलता है, तो ये वो ऑफर होता है जो टिकेगा, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, दिलाएगा, और धीरे धीरे आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे। ये वो नहीं है अभी आए और कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद जाओ, नो नो नो, ये वो एनर्जी नहीं है। लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए, बहुत लंबी रीडिंग हो गई आई थिंक। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू, और क्या बताना चाहते हैं आप हमें। थैंक यू सो मच। यस, देखिए स्टक मत रहिए। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्टक नहीं रहना आपको, यहाँ पे किसी भी चीज में अटक के नहीं रहना, अपना काम कीजिए और निकल जाइए। ये देख रहे हैं, ये स्टक एनर्जी है, ये स्टक एनर्जी है, ये पर्सन ना अटका पड़ा है, नहीं छोड़ नहीं रहा। यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ की जरूरत है। ये कार्ड भी मुझे जो है ये एनर्जी देता है, मुझे द फूल की एनर्जी। छोड़ दीजिए अपने हाथ पांव, स्ट्रगल मत कीजिए कहीं पे टिकने की। जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, अपने स्पिरिट गाइड पे भरोसा रखिए, अपने खुदा पे भरोसा रखिए, अपने प्रभु पे भरोसा रखिए, ठीक है। किसी पर्सन पे भरोसा रखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, उन पे भरोसा रखिए और अपने आप को ओपन कर दीजिए आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कमाल, फिर देखिए आपकी लाइफ में चेंजिंग, ठीक है। ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, आई एम सो सॉरी, ये ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क कीजिए। आप में बहुत एबिलिटी है, आप में कैपेसिटी बहुत है, आप कुछ और हैं और बने कुछ और हुए। तो प्लीज आपको इस एनर्जी में टैप इन होना है, ओके। अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क कीजिए, अदरवाइज ये रीडिंग सुनने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ये सुनी है तो अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क कीजिए। ये रीडिंग्स एक मैजिकल रीडिंग्स होती हैं जो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं। आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि आप कौन हैं। डाउट मत कीजिए, अगर अभी भी आपको ये डाउट है ना, अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, पता नहीं ये मेरी एनर्जी है कि नहीं है। आप देख रहे हैं ना, भगवान ने आपको दिखाया ना, खुदा ने आपको दिखाई ना ये एनर्जी, मतलब ये आपके लिए ही है। इसमें बताइए क्या चीज़ नेगेटिव है जो करने से आपकी लाइफ में बुरा होगा, मुझे बताइए। जो भी गाइडेंस थी उसमें ऐसा कौन सी गाइडेंस ऐसी थी जिसके करने से आपकी लाइफ में बुरा होगा। होगा तो अच्छा ही ना, ठीक है, होगा तो अच्छा ही, तो उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, बजाय इसके कि आप रीडिंग लेने के किसी से भी पैसे खर्च करेंगे तभी आपको तसल्ली मिलेगी। पता चला मैसेजेस आपको वही मिलेंगे, है ना। तो इन एनर्जीज पे, इन ब्लॉकेजेस पे वर्क कीजिए, ये गाइडेंस लीजिए जो आपको मिली है सीधी डायरेक्ट ऊपर से, ठीक है। तो ये थी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। आप क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को, मैं तो कह रही हूँ वर्क कीजिए, और मुझे प्लीज़ बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई, आपको कितनी अच्छी लगी ये रीडिंग, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय।